साहब ने आगामी कैसे चुनाव लड़ना है कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए हैं और मजबूती के साथ 100 दिन मैदान में उतर कर सभी कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने का भी काम करेंगे और आगामी परिस्थितियों को बदलने का भी काम। जिस तरह हरियाणा के हालात हैं, बीजेपी लोग कह रहे हैं कि अल्पमत में है, कांग्रेस के पास भी अब विधायक इतनी ज़्यादा नहीं है, राज्यसभा चुनाव की दोनों में पेच फंसा हुआ है। देखो, राज्यसभा विपक्ष को एक साझा उम्मीदवार उतारना चाहिए और विपक्ष की एकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में पटक नहीं दे पाएंगे। मगर मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष जो है उनने मैदान पहले ही छोड़ दिया, वो कमजोरी अपनी दिखा चुके हैं। पर हम फिर भी प्रयासरत हैं कि हम अपने एक सांझे उम्मीदवार का नॉमिनेशन लें। दावा तो 400 पार का था, वो क्यों 240 पे आ गया? साहब ने आगामी कैसे चुनाव लड़ना है कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए हैं और मजबूती के साथ 100 दिन मैदान में उतर कर सभी कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने का भी काम करेंगे और आगामी परिस्थितियों को बदलने का भी। जिस तरह हरियाणा के हालात हैं, बीजेपी लोग कह रहे हैं कि अल्पमत है, कांग्रेस के पास भी अब विधायक इतनी ज़्यादा नहीं है, राज्यसभा चुनाव की दोनों में पेच फंसा हुआ है। देखो, राज्यसभा विपक्ष को एक साझा उम्मीदवार उतारना चाहिए और विपक्ष की एकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में पटक नहीं दे पाएंगे। मगर मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष जो है उनने मैदान पहले ही छोड़ दिया, वो कमजोरी अपनी दिखा चुके हैं। पर हम फिर भी प्रयासरत हैं कि हम अपने एक सांझे उम्मीदवार का नॉमिनेशन लें। दावा तो 400 पार का था, वो क्यों 240 पे आकर।